चलो जी, तो आज है जी पहली वीडियो ग्वालियर की, ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट का ही बोलोगे, लेट ब्रेकफास्ट सर्दियों का ब्रेकफास्ट टाइम ही है। हाँ लेट ब्रेकफास्ट सर्दियों में लोग सो के भी लेट ही उठते हैं। ठीक है जी, पहले आप मिलिए, ये है जी लोकेश और ये है जी उज्जवल, ये दोनों आपको ग्वालियर फूड सीरीज में इनकी शक्लें आपको ज़्यादा दिखेगी मिलेगी। तो अभी हम लोग ग्वालियर का जी बड़ा क्या कहते हैं पारंपरिक ब्रेकफास्ट है पोहा, ग्वालियर का नहीं एमपी का ही, एमपी का ही ट्रेडिशनल है, अगर डेली यही नाश्ता है पोहा। पोहा और साथ में जलेबी का भी जलेबी है, है पर यहाँ नहीं है, इसकी अलग कहानी है, जुगाड़ हो जाएगी, जुगाड़ हो जाएगी, अलग कहानी है। तो पहले आप ये बताओ कि ये पोहा जो हम लोग खा रहे हैं, अब ऐसी बात है मेरे को तो अपने घर का मतलब घर का क्या, हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है ना, तो पोहा उपमा वाले लोग होते हैं ना, मैं उपमा वाला बंदा हूँ, तो क्या मतलब ऐसा खास है एमपी के पोहे में? सबसे पहली बात तो यही है कि एमपी का पोहा है तो टेस्ट अलग ही है। अच्छा, एक्चुअली इसकी जो पोहे की जो इटसेल्फ पोहे की जो क्वालिटी है ना वो बड़ी यूनिक है, जो आपको ऑल ओवर इंडिया में और कहीं नहीं मिलेगा। जैसे मुंबई का पाव है, उज्जैन में एक जगह है हाँ, पर ही मैन्युफैक्चर होता है, वो जो क्वालिटी है ना मतलब एकदम पतला पोहा और एकदम मेल्ट इन माउथ वाला जो टेक्सचर होता है हाँ, वो कहीं और नहीं मिलेगा। तो एक तो पोहे की सेल्फ क्वालिटी और फिर यहाँ के इनके जो मसाले वगैरह, और ये, ये जो इनका मसाला है ये सेल्फ खुद प्रिपेयर करते हैं, ये बाहर से नहीं खरीदते, इनका खुद ही फ्लेवर आता है वो उससे आता है। तो हम लोग अभी पोहा खाएंगे इस वीडियो में, कचौड़ी खाएंगे और कुछ कुछ देखेंगे, ब्रेकफास्ट पूरा निपटाएंगे। ग्वालियर फूड सीरीज जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुकी है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको पोहा कैसा लगता है, क्योंकि मेरा मानना है दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो पोहा खाते हैं एक जो उपमा खाते हैं, हम पोहा खाते हैं हाँ। तो आप कौन से टाइप के लोग हैं आप कमेंट करके बताओ, इतने मैं खाता हूँ और देखता हूँ मेरा नज़रिया पोहे के ऊपर बदला है कि नहीं बदला, खाते हैं। मैंने पोहा नहीं खाया इस टाइप का, हम तो खाते हैं डेली, आप इसके बारे में ज़्यादा बता पाएंगे? ये ना मतलब जो हम लोगों का पोहा रहता है ना वो उसका कैसे बताऊँ, थोड़ा बताना मुश्किल है। तो राइस ही, राइस जैसा टेक्सचर, जो जैसे पोहा जो होता है पोहा इज फ्लैटेंड राइस, अब वो कैसे पिचका रहे उसको, कितने बारीकी से उसको, कितना उसमें प्रोसेस लेयर्स चल रही है, आई थिंक वो उससे इतना बनाने वाले की भी कि उसमें ये होता है कि वो बना किस तरीके से आए हाँ, बनाने में भी टाइम लगता है, कई लोग कहते हैं कि 5 मिनट में बना देते हैं। तो फिलहाल तो ये बहुत अच्छा है, इसके अंदर मसाले वगैरह डाले हुए हैं, नींबू डाला हुआ है, मिर्च डाली हुई है और सेव से ना वो क्रंच आ रहा है, सेव और प्याज और मूंगफली से वो क्रंच आ रहा है। इंदरगंज चौराहे पे हम लोग कौन से पोहा है, पनवाड़ी पोहा बना रहा है, पता नहीं कैसे ये मेरा पहला पोहा है, लाइक लिटरली ऑथेंटिक एमपी का। ग्वालियर में अगर आपको पोहा खाना है तो ऐसा बोला जाता है पनवाड़ी का पोहा खाइए, पनवाड़ी का पोहा सबसे फेमस पोहा है, ये मूवीज में भी आ चुका है बहुत सारा, अभी लुका छुपी में भी आया था। लुका छुपी बहुत हो गई है, अब चलते हैं कचौड़ी खाने ऐसे गंदे जोक्स के साथ। मतलब ये पोहा ऐसा है जिसको खा के मैं बोल सकता हूँ कि मेरा पोहे का नज़रिया बदल गया। बातों ही बातों में जलेबी भी आ गई, गर्म है, गर्म है, मतलब पोहा जलेबी जैसे होता है, फाफड़ा जलेबी का जैसे कॉम्बो होता है, पोहा खाया हाँ और जलेबी उठा लिया। जलेबी यार बढ़िया, आई लाइक दिस पैकेज, मतलब अब मैं कह सकता हूँ कि मुझे पोहा पसंद आता है, पर ये जो पोहा है ना ये वही बात होगी मुंबई का पाव, एमपी से बाहर चले जाओ फिर से पोहा, पोहा फिर से वो। बेंगलोर में जो बेंगलोर में रहा था मैं, इतना ढूंढ ढूंढ के मर गया, मेरे को पर पोहा नहीं मिला। मतलब नॉर्दर्न इंडिया की एकदम सेंट्रल है ग्वालियर, तो क्या राजस्थान का भी कुछ खाना है, थोड़ा यूपी का भी है, थोड़ा यूपी और एमपी, दिल्ली भी है इसमें, हाँ थोड़ा दिल्ली भी है। तो अभी हम लोग आपको ना थोड़ा सा एमपी का ये वाला बॉर्डर वाला पार्ट दिखाते हैं जो है कचौड़ी वाला, क्योंकि सबका टच है ना, तो अब कचौड़ी खाने चलते हैं हम लोग। तो अब जिस जगह पे हम लोग आए हैं वो है बहादुरा स्वीट्स, जो नया बाज़ार में है, और ऐसा बोला जाता है कि जब वाजपेयी जी ग्वालियर आते थे, क्योंकि ग्वालियर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, तो वो बहादुरा स्वीट्स के लड्डू ज़रूर खाते थे, उनको ये लड्डू बड़े पसंद थे। तो अभी हम लोग अपनी दूसरी जगह पे आए हैं, लड्डू खाए बिना अगर हमारे गए आप
तो फिर आपको ये पकड़ पकड़ के मारेंगे ना, नहीं मारेंगे शायद, बट मज़ेदार है इनके लड्डू। पास में आपको दिखाता हूँ, ये लड्डू जो है ना ऐसे ही रहते हैं। हाँ सेम, मतलब ये लड्डू जो है नहीं होता है, सीधा खाना होता है। खत्म कर, ये देख रहे हो, ये लड्डू जो ऐसे है कि मतलब आपने अगर थोड़ा खेल लिया ना इनके साथ सारा टूट जाएगा ये, और ये टूटेगा सीधा जाके आपके मुंह में। ये लो, आधा आधा वैसे लड्डू का बंटवारा करना नहीं चाहिए, पर हम लोग खाना बहुत है आज हम लोगों ने, तो लड्डू चीयर्स। हाँ जो मैं कर रहा हूँ, हाँ बस मुँह पे। देखो अगर आप खुद मैं थोड़ा ज़्यादा ही उत्साही हूँ, लड्डू च्यू भी कर रहा हूँ थोड़ा, वरना अगर आप थोड़े शांत किस्म के आदमी हो तो लड्डू मुँह में डालो और एक मिनट दो उसको, जो आपको महसूस होगा ना, और ऐसा बढ़िया पोहा खाने के बाद। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ इतनी पतली बूंदी बनाते हैं तो वो चाशनी कैसे लेटती है, थोड़ी चाशनी में इनकी गाड़ी रहती होगी। वाइट वाइट भी आ जाता है इसका, देखो वो वाइट टेक्सचर के नहीं है, जो शुगर सिरप का आ जाता है ना इनकी बूंदी में, देख रहा हूँ इतनी पतली पतली अभी फ्रेश बूंदी यहाँ पे बनी रही है, मज़ेदार। इसका प्राइस कितना है? 25 रुपये के दो पीस, ये 15-20 रुपये का पोहा मिल जाएगा, भर पेट एकदम, जैसे कहते हैं ना ऐसा खाना खा रहे हो आप जो 100-100 सालों से लोग बना रहे हैं, मतलब 100 साल की मेहनत, 25 रुपए के दो लड्डू, बढ़िया है। अब आराम से इस लड्डू को ख़त्म करते हैं, ये लड्डू हम लोगों ने इनके लिए बचा के रखा हुआ है, कहीं इनके मुंह में पानी ना आ जाए शूट करते करते। बाकी हम लोग फिर देखते हैं और क्या हम लोग यहाँ पे खाना लपेटेंगे अभी। ये ऐसा होता है ना कभी कि हम लोग दुकान पे जाते हैं कुछ एक चीज़ लेने और फिर दूसरी चीज़ दिख जाती है और फिर पहली चीज़ से मन उठ जाता है, पर सोच के कहते हैं कि पहली चीज़ लेनी है तो उसको ज़बरदस्ती में ले लेते हैं। अब ये कचौड़ी ज़बरदस्ती वाली है और ये बेड़ा ही है जिसको देख के मन ललचा गया, पर ये बेड़ा ही ना खा के देखते हैं पता नहीं कैसी होगी। चलो हाँ, रसमिस्सी आलू वाली एकदम, हाँ समझ गया समझ गया, झोल बोलते हैं ये अपनी, आई थिंक प्लेन दाल वाली कचौड़ी है। हाँ आओ पास में आओ, आपको मैं दिखाता हूँ क्या है ये कचौड़ी ना, ऐसी चीज़ है दूर से देखो ना बड़ी साबुत सी है, अंदर से देखो खजाना है, और स्टफिंग देखो कितनी दिल खोल के करी हुई है, दाल दिख रही है, मसाला दिख रहा है, जीरा दिख रहा है, और सब्जी सेम है दोनों की। बहुत कमाल की कचौड़ी है, कचौड़ी से ना मेरी हमेशा से यही शिकायत रही है कि कचौड़ी मैं खुद तो खा लेता हूँ और मुझे वो स्वाद आ जाते हैं, पर आप लोग हमेशा सोचोगे क्या वही कचौड़ी। ये कचौड़ी ऐसी डिश है समथिंग यूनिक नहीं, जब तक आप आके विटनेस नहीं करोगे ना उसको खाओगे नहीं। देखने में ना कचौड़ी बड़ी बोरिंग सी लगती है, कोई बंदा घर पर बैठ के कचौड़ी देख रहा है ना, अब वो खा रहा है दाल रोटी, वो खा रहा है इससे अच्छे तो मेरी दाल रोटी है, पर जब तक आप आके ये कचौड़ी नहीं खाओगे, इसके अंदर जो स्टफिंग है और वो सब है वो अंदर खोलते हो तभी पता चलता है। बेड़ा ही आप, बेड़ा ही दूर से ही मन ललचा जाएगा, बेड़ा ही के साथ तो बेटा राजमा चावल भी खा रहे होगे ना, ओह इसके अंदर भी स्टफिंग है बेड़ा ही के साथ राजमा चावल भी खा रहे होगे ना तो भी मन करेगा कि बेड़ा ही खा लो। नहीं बेड़ा ही तो ठीक है, ये ठीक है, पर कचौड़ी ना अल्टीमेट है। अच्छा हुआ हम लोगों ने अपने हार्ट के इंस्टिंक्ट को फॉलो करा और बिड़ई को देख के पिघल गए, पर हर क्या कहते हैं वो, हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, पर ये कचौड़ी सोना है, बढ़िया है एसएस कचौड़ी वाला। ये हमारा जी ऑलमोस्ट मील का लास्ट खाने वाली चीज़ है, उसके बाद हम पियेंगे चाय पाँचवे के लिए, गरम गरम गोलू, सर्दियों का टाइम आ चुका है। वैसे तो ग्वालियर का गज्जक का ज़्यादा सीन है, बट दिख गया तो मन ललचा गया तो खा लिया, मन है चंचल चीज़ और गुलाब जामुन है वो नशीली आंखें। मैंने मानता नहीं। और आगे क्या है? अब आगे सोचना पड़ेगा अरे तुमने पीछे भी तो कुछ बोला था ऐसा, वो निकल जाता है वो, सोच के दोबारा बोलना पड़ेगा बात ऐसी है, आओ यहाँ पे कचौड़ी खाओ, ज़्यादा इधर उधर मत घूमो भटक जाओगे वरना।
चलो जी, इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये हम लोग अभी चाय पी रहे हैं, कुल्लड़ वाली चाय। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने करा, काफ़ी मज़ा आया ग्वालियर में। सबसे जो बढ़िया टेक अवे था वो था ग्वालियर का एमपी का पोहा, और उसके बाद जो शानदार बूंदी का लड्डू, वो ऐसे लड्डू आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। सर्दियों के मौसम में एक बढ़िया सी चाय मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। फ़िलहाल मैं हाफ स्लीव्स में इसलिए हूँ क्योंकि ग्वालियर में ना दिल्ली जैसा माहौल है, मतलब दिल्ली में कोई बंदा ना स्वेटर पहन के नहीं घूम सकता। मौसम ऐसे करवटे बदलता ना, वो भी एकदम पीक सर्दियों में, तो इसलिए जैकेट मेरे बैग में पड़ी हुई है। अगली वीडियो में जैकेट के साथ, या उसके अगली वीडियो में रात को जैकेट के साथ मिलेंगे ग्वालियर का खाना एक्सप्लोर करते हुए। आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एंजॉयिंग एंड ऑलवेज स्टे वेजिटेरियन। चाय बढ़िया है, मतलब कटिंग नहीं है, कड़क नहीं है, बट ऐसे सुकून वाली चाय है। उसमें पीते हो क्या तुम? बगल में अंदर जाके? नहीं नहीं उधर।